हेलो गाइस, हम हमेशा की तरह आज फिर बात करेंगे पबजी मोबाइल बीच में की टॉप 10 मिथ की। तो यार, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी लाजमी से कर दिया करो। और गाइस, ये जो वीडियो होने वाली है आप लोगों ने कम्प्लीट देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। और इसके अलावा गाइस, अगर आप लोगों के पास भी ऐसे मज़ेदार से मिथ होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लाजमी से शेयर किया करो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के जो मिथ होते हैं वो भी ट्राई किया करें। अगर आप टेंपल के ऊपर जाने के बाद जॉयस्टिक को आगे की तरफ करके रखोगे तो आप जोन से बाहर निकल जाओगे। ओके, तो गाइस देखो यार, यहाँ पे टेंपल के ऊपर हम यहाँ से जाते हैं, ये देखो पूरे मैप में हमें जगह जगह पे देखने को मिलते हैं। जैसे टेंपल वाला ऑन होता है, सिंपल से आपको ये जो प्लेटफॉर्म होता है इसके ऊपर आना है, और आपका जो जॉयस्टिक है इसको आगे की तरफ पुश करना है। जैसे ही आप जॉयस्टिक को आगे की तरफ पुश करके रखोगे, आपने जॉयस्टिक को छोड़ना नहीं है, आगे की तरफ ही करके रखना है। इसके बाद गाइस, कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे देखो क्या होता है मेरे साथ। यहाँ पे हमारा जो करेक्टर है वो जोन से बाहर चला जाता है। अभी देखो गाइस, मैं गटका के पास था, कहाँ यानी कि वो जो टेम्पल है मैं वहाँ पे था। अभी देखो कहाँ पे मैं आ गया हूँ, जोन के बाहर आ गया हूँ, 3,000 किलोमीटर मैं यहाँ से दूर चला गया हूँ। ये देखो गाइस, मेरा जो करेक्टर है वो जोन से कितना बाहर चला गया, पानी के ऊपर चला गया, और मुझे अपने ऊपर एक और जो टेम्पल्स है वो देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये वाला जो टेम्पल है लोबी होगा, जहाँ पे हमारा जो करेक्टर है वो लोबी में वेट करते हैं। और यहाँ पे देखो गाइस, मेरा जो करेक्टर है वो जोन से बाहर चला गया, और कितना दूर चला गया है ये देखो। ऊपर वाला हमारा जो टेम्पल है वो भी गायब हो रहा है, और यहाँ पे हमें एक नीचे ड्रॉप भी देखने को मिल रहा है। तो चलो यार, ये तो अच्छा हो गया, हमें एक ड्रॉप मिल गया। इसी के साथ ये वाला मिथ हो जाता है कन्फर्म। भाई, अगर आप फारो से फाइट करते हुए जब आपको फारो पंच करे तो आप उसके हाथ के ऊपर चढ़ सकते हो और उसे अच्छा डैमेज दे सकते हो। ओके, तो चलो यार, यहाँ पे हम फारो से फाइट कर रहे हैं। अभी चलो यार, वेट करते हैं, फारो जो है हमें मुक्का मारे। ये देखो गाइस, इसने हमें मुक्का मारा है, इसके हाथ पे चढ़ते हैं। अरे यार, यहाँ पे देखो गाइस, मेरा जो करेक्टर है वो इसके हाथ पे चला गया। अभी इसके हाथ पे चढ़ने के बाद हम इसे कितना ज़बरदस्त और डैमेज है वो दे सकते हैं। इसके हाथ के ऊपर हम चढ़ पा रहे हैं, इसके साथ ये वाला मिथ हो जाता है कन्फर्म। आफ्टर न्यू अपडेट यू विल सी शॉप ऑन रोड इन मैनी एरियाज़। ओके, तो हमारे भाई जो कह रहे हैं, यहाँ पे हमें रोड के ऊपर काफ़ी सारे जो शॉप है ये देखने को मिलते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस में हमें कुछ ऐसे के डिफरेंट टाइप के जो शॉप है ये देखने को मिलते हैं। यहाँ से हम लोग डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं ये बाय कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी तरह की जो चीज़ें हमें यहाँ पर सामान देखने को मिलता है यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं। तो ये गाइस डिफरेंट लोकेशन होने वाली है, इसकी कोई भी लोकेशन फिक्स नहीं होती, हर जगह पे डिफरेंट प्लेसेस पे रोड के ऊपर। ये पक्का है कि आपको रोड के ऊपर ये जो ऐसे के शॉप है ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो शॉप है इसका लुक कुछ ऐसे का है। हर तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का देखने को मिलता है। जैसे आप इसके करीब आते हो, इसका जो एक ऊपर से ये जो खिड़की सी है ये खुल जाती है, जो लाइट है ये बाहर आती है। जैसे आप थोड़ा सा दूर जाते हो, जो खिड़की सी है ये बंद हो जाती है। तो हाँ यार, यहाँ पे मैं जो रोड है इसके ऊपर डिफरेंट टाइप का जो शॉप है ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ ये वाला मिथ हो जाता है कन्फर्म। अगर आपके पास स्क्रैम चार्म है तो आप सोलो में भी रिकॉल हो सकते हो। ओके, तो गाइज यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, स्क्रैम चार्म इसका नाम है ये। अगर आप लोगों के बैकपैक में है तो हम लोग सोलो में भी रिकॉल हो सकते हैं, हमारे भाई ऐसा बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे मैं सोलो हूँ, मेरा जो कोई भी टीममेट यहाँ पे नहीं है अभी, ये मेरे बैग में एक है अभी। चलो अपने आप को यहाँ पे किल करते हैं, और उसके बाद देखते हैं गाइज क्या सीन होने वाला है। तो यहाँ पे देखो गाइज, जैसे मैंने अपने ऊपर मूली की, यहाँ पे मैं किल हो गया हूँ, मैं नोक नहीं हुआ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे किल हो गया हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं किल हुआ, हमारे ऊपर आ गया कि 10 सेकंड वेट करें। चलो यार, यहाँ पे 10 सेकंड हम जल्दी से वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। तो देखो यार, यहाँ पे मेरा जो करेक्टर है वो गेम से रिकॉल हो गया है। तो यहाँ पे मैं सोलो खेल रहा था, मुझे किसी ने भी रिकॉल नहीं किया। तो हाँ यार, अगर हमारे बैग में वो स्क्रैमिंग चार्म होगा तो हम ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएंगे, ये मिथ भी कन्फर्म है। टेंपल में अगर हम 4 इंसेक्ट को किल करेंगे तो हमें सीक्रेट लूट मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे इस टेंपल की बात हो रही है, जो इंसेक्ट वाला टेंपल है ये रेंगल में हमें 2 जगह पे देखने को मिलता है, और लिविक में 1 जगह पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे सबसे पहला जो इंसेक्ट है ये हमें यहाँ पे दिखता है, ये जो इंसेक्ट है हवा में उड़ रहा है। अभी चलो यार, इसको किल करते हैं। इसके बाद जो 3 और यहाँ पे हमें इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, इनको ढूंढेंगे और इनको भी किल करेंगे। देखो यार, दूसरा इंसेक्ट यहाँ पे, इसको भी किल करते हैं। जैसे कैसे हम एक इंसेक्ट को किल करते हैं तो हमें यहाँ पे
कुछ जो होते हैं शॉप ओपन वो देखने को मिलते हैं जिनसे हम चीज़ें वगैरह बाय कर सकते हैं शॉप से। तो यहाँ पे एक और है, चलो यार लास्ट पे इसको किल करेंगे, अभी एक और ढूंढते हैं, लास्ट वाला देखते हैं कहाँ पे है। तो गाइज ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे सिर्फ हमें चार ही मिले, यहाँ पे हमें पाँच भी मिलते हैं, छः भी मिलते हैं, लेकिन हमें सिंपल से चार को किल करना है। जैसे हम चार किल करेंगे तो हमें यहाँ पे सीक्रेट लूट जो होती है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है वो भी मुझे मिल जाता है, इस दीवार के पीछे वो लगा होता है, ये देखो गाइज यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए यार इसको भी जल्दी से किल करते हैं, जैसे हम इस पर एक दो बुलेट मारते हैं नीचे गिर जाता है। अभी गाइज यहाँ पे जो एक और था इसको भी किल करते हैं, चौथे वाले को, और फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो गाइज जैसे मैंने इसको किल किया, फ़ौरन से अंदर जो हमारा एक लूट क्रेट था जो हवा में था ऊपर करके वो नीचे आ गया, और यहाँ पे देखो यार यहाँ पे हमें सीक्रेट लूट जो है वो देखने को मिल रही है। तो हाँ यार अगर हम चार इंसेक्ट को किल करते हैं हमें सीक्रेट लूट देखने को मिलती है, ये मिथ भी हो जाता है कन्फर्म। बग्घी पिरामिड के ऊपर चढ़ सकती है, ओके तो चले यार ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस पिरामिड का आप लोगों को पता होगा, जैसे आपका मैप शुरू होता है यानी कि आपकी गेम शुरू होती है, फ़ौरन से ऐसे जो दो पिरामिड होते हैं ये होते हैं, इसके अंदर से जो वो होता है हमारा जो करेक्टर होता है यानी कि जो हवा में लेके फारुक उड़ रहा होता है वो इसके अंदर से निकलता है। अभी चलो यार यहाँ पर अपनी बगी को हम लगा के देखते हैं, सीधी तरह से भी गाइस मैंने लगाया और उल्टी तरह से लगा के देख रहा हूँ मैं, शायद मेरी बगी जो वो किसी तरह से इसके ऊपर चढ़ जाए, लेकिन यार यहाँ पर हमारी जो बगी है वो इसके ऊपर नहीं चल पा रही। ये देखा थोड़ा सा ऊपर जाती है तो बगी जो है उसके चारों टायर्स के अंदर धंस जाते हैं, हमारी जो बगी है इसके ऊपर नहीं चल सकती। इसी के साथ ये वाला मिथ हो जाता है बस्टेड। स्टेप वन टेंपल में जाओ, स्टेप टू फारो को एक्टिवेट करो, स्टेप थ्री फारो को डैमेज देते वक्त जो येलो कलर की ग्लो होती है उस पर डैमेज दो, स्टेप फोर इससे फारो की हेल्थ जल्दी जाएगी। ओके तो चले यार ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे मैं फारो से फाइट कर रहा हूँ, अभी देखो नॉर्मली मैं इसे डैमेज दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे ऊपर आप हेल्थ देखो कितनी स्लो स्लो जा रही है, लेकिन गाइस जैसे ये जो येलो वाला डॉट है मैं यहाँ पे डैमेज देना स्टार्ट करता हूँ तो ऊपर से इसकी जो हेल्थ है वो कितनी तेज़ी से डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो यार जैसे मैं ये जो येलो कलर का हमें यहाँ पे मार्क देखने को मिलता है यहाँ पे मैं डैमेज देता हूँ तो ऊपर देखो कितनी जल्दी फारो की जो हेल्थ है वो जा रही है। इसके अलावा गाइस जैसे ये हैंड नीचे करता है यहाँ पे हम चढ़ के भी इसका जो येलो वाला मार्क होता है यहाँ पे डैमेज दे सकते हैं। तो हाँ यार जैसे हम ये जो येलो वाला मार्क है इसके ऊपर डैमेज देते हैं तो फारो की जो हेल्थ है काफ़ी जल्दी नीचे जाती है, यानी कि अगर हम इस येलो वाले पॉइंट पर डैमेज देते हैं ये इसकी जो हेल्थ है वो जल्दी नीचे जाती है, मिथ कन्फर्म है। मिथ न्यू अपडेट में कोई अगर आपकी गाड़ी फोड़ेगा तो आप नोक होगे, फिनिश नहीं होगे। ओके तो चलो यार ट्राई करते हैं। यहाँ पे गाइस पहले क्या होता था, जैसे हमारे जो करेक्टर हम खुद या कोई भी एनिमी या हमारा टीममेट हमारे पास कोई भी व्हीकल को ब्लास्ट करता था तो हमारे जो करेक्टर होता वो डायरेक्टली फिनिश हो जाता था, यानी कि नॉक नहीं होता था। तो हमारे भाई कह रहे हैं अपडेट के बाद हमारे जो करेक्टर है यहाँ पर नॉक होने वाला है। चलो यार ट्राई करके देखते हैं, गाड़ी के पास खड़े होते हैं, इसके बाद गाड़ी को ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे देखो गाइज मैंने जो गाड़ी जो है इसको ब्लास्ट कर लिया, अभी देखते हैं गाइज क्या होता है। हमारा जो करेक्टर है वो देखो यार यहाँ पे नोक हुआ है, यानी कि हमारा करेक्टर यहाँ पे फिनिश नहीं होने वाला। अगर हम गाड़ी के अंदर भी बैठे होंगे या बाहर गाड़ी के बिल्कुल करीब भी होंगे, एनिमी या हमारा टीममेट अगर गाड़ी को ब्लास्ट करेगा तो हमारा करेक्टर यहाँ पे सिर्फ नोक होने वाला है, यानी कि हमारा करेक्टर यहाँ पे डायरेक्टली फिनिश नहीं होने वाला। तो हाँ यार इसका मतलब है ये वाला जो मिथ है तो 100% कन्फर्म है। मिथ स्क्रैम्बल चार्म से रिकॉल होने के बाद आपका प्लेन स्लो चलता है, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, चलो यार ट्राई करके देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखो यार यहाँ पे मेरे बैग में स्क्रैम्बल चार्म है, अभी चलो खुद को डायरेक्टली यहाँ पे किल करते हैं उसके बाद देखेंगे हमारा जो प्लेन है वो किस स्पीड से चलता है। तो यहाँ पे देखो गाइज यहाँ पे मैंने दो ग्रेनेड मार लिए हैं ताकि मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिनिश हो जाऊँ। यहाँ पे देखो जैसे ही मैं फिनिश हुआ हमारे ऊपर लिख के आ गया कि 10 सेकंड के बाद आप ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाओगे। चलो यार 10 सेकंड यहाँ पे वेट करते हैं और यहाँ पे देखो गाइज मेरा जो प्लेन है वो आ गया। अभी चलो यार इसकी स्पीड चेक करते हैं। तो वेल हाँ यार यहाँ पे अगर हम नॉर्मली हमारा टीममेट रिकॉल करते हैं तो हमारे जो प्लेन होता है वो काफ़ी स्पीड में आता है, लेकिन अगर हम स्क्रैम्बल चार्म की मदद से रिकॉल होते हैं तो हमारा जो प्लेन है वो स्लो स्लो चलता है, ये मिथ कन्फर्म है। मिथ जो न्यू MAR गन ऐड हुई है उसकी चार बुलेट से आप डासिया को ब्लास्ट कर सकते हो, ओके चलो यार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस ये देखो ये वाली गन जो न्यू ऐड हुई है इसकी बात हो रही है। अभी चलो यार यहाँ पे डासिया के ऊपर बुलेट फायर करते हैं, दो बुलेट हमने फायर कर लिए हैं, तीन बुलेट हमने फायर कर लिए हैं, यहाँ पे डासिया में से आग निकलने लग पड़ी, जैसे हमने चौथी बुलेट फायर की हमारी जो डासिया वो कम्प्लीटली ब्लास्ट हो गई है। चलो यार ये बगी के ऊपर भी एक बार ट्राई करते हैं, बगी जो है वो कितनी बुलेट में यहाँ पर ब्लास्ट होती है। यहाँ पर गाइस एक बुलेट हमने मारी, दो मारी,
और इसके साथ यहाँ पे धुएं वगैरह निकलने लग पे हैं। 3 बुलेट में हमारी जो बगी है ये ब्लास्ट हो गई है कम्प्लीटली। अब यार एक बार मोटरसाइकिल भी ट्राई करके देख लेते हैं कि हमारी जो मोटरसाइकिल है वो कितनी बुलेट में ब्लास्ट होती है। यहाँ पे देखो गाइस, हमारी जो मोटरसाइकिल होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बुलेट में ब्लास्ट हो जाती है, तो इसका मतलब विलंबित कन्फर्म है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यार अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सी पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दो, ताकि मज़ीद फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज़ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।